हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, डेली टॉप 10 एमसीक्यूज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। डेली टॉप 10 एमसीक्यूज की ये सीरीज़ आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप एनवीएस, केवीएस, टीएसटी, पीएसटी, अदर कोई भी स्टेट एग्जाम जिसमें कि जीएस पूछी जाती है, उसमें यह सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन दी गई हैं, आपको इनमें से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण जो एक याचिका, यह अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध दो रिटें होती हैं और यह दोनों ही रिटें अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। जो प्रतिषेध रिट होती है, यह उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए जारी की जाती है। और उत्प्रेषण रिट जो होती है, यह कार्यवाही की समाप्ति या निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित किसी मामले की सुनवाई करने के वक्त जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5, यानी कि 5। तो बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत संविधान के निर्वचन से संबंधित किसी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर आर्टिकल भी नोट रखना है। अनुच्छेद 145(1) कहता है, इसके अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को विनिमय के लिए नियम बना सकती है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, साइमन कमीशन किस वर्ष आया। तो इसमें आपको बताना है कि साइमन कमीशन जो था किस वर्ष भारत आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में जो है तो साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ML नेहरू ने। तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये तैयार की थी ML नेहरू ने। तो बात करें अगर साइमन कमीशन की, साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी, जिसमें भारत ने नए डोमिनियन संविधान का खाका था। दो तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे, दो मुस्लिम सहित कुल 9 अन्य लोग इस समिति के सदस्य थे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, बलियारिका द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो आपको, आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर। जो बलियारिका द्वीप समूह है यह भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर के पश्चिम भाग में आइबेरियन प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप बलियारिका द्वीप समूह स्थित है, जो स्पेन के अधीन है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि बलियारिका द्वीप समूह जो है वो स्पेन के अधीन है। इसके द्वीप समूह के चार सबसे बड़े द्वीप क्रमशः मलोक, मेनो, रका, इबिजा और मेनरा हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा संगठन डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI जारी करने के लिए तैयार है, जो देश में भुगतान के डिजिटलीकरण का आकलन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है वो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी करने के लिए तैयार है, जो देश में भुगतान के डिजिटलीकरण का आकलन करेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, आपको इनमें से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह जो थे, उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। और उनकी जो बाई आंख की रोशनी चली गई थी, यह गई थी चेचक रोग के कारण। रंजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। उन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं चिनाब प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला था। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो इस, आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातक कथाएं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं यह जातक कथाओं से संबंधित हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन में बौद्ध, जैन या हिंदू, शैव दिया होता तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बौद्ध होता, कि अजंता की जो गुफाएँ हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं।
अगर यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से दिया होता कि एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर तो होता कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है। तो आपको बताना है कि जो खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, शिव को। तो खजुराहो का जो मातंगेश्वर मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर जो है संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ था। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कांग्रेस की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेहरू रिपोर्ट। तो कांग्रेस की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग जो थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपके कुछ और क्वेश्चन से आपके कुछ और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि जो जवाहरलाल नेहरू थे कांग्रेस की उदारवादी दल के से संबंधित थे और इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नामक की स्थापना की थी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की इन्होंने स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं अब, तो आज तो हमारे ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर हाँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।